हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज है संडे और मैं अभी अभी उठी हूँ सो के, और अभी नोनी और नोने के पापा सोए हुए हैं। तो आज मैं ना कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। अभी सबसे पहले मैं नहाने जा रही हूँ, मिलते हैं नहाने के बाद। गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने पूजा भी कर ली है, तो मैं अब बना रही हूँ ब्रेड टोस्ट। बाल्टी पहले मैं बनाने वाली थी सैंडविच, लेकिन फिर इन्होंने मुझे मना कर दिया क्योंकि ये बोलने लगे मेरे को खानी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मैंने जो आलू उबाले थे सैंडविच के लिए, फिर मैंने क्या किया, उनको सब्ज़ी के लिए रख दिया और इनके लिए सिंपल ब्रेड ऐसे ही सेक के इनको दे दी चाय के साथ। क्योंकि पहले मेरा मन हो रहा था सैंडविच खाने का, फिर मेरे को ये हुआ कि यार अपने लिए मैं क्या ही बनाऊँगी, तो फिर सोचा मैंने कहा मैं भी ऐसे ही सिंपल ब्रेड ही खा लेती हूँ। और अभी मैं ब्रेड सेक के इनको देने के बाद, आज मेरा बहुत सारा काम है। आप लोगों को तो पता ही है कि संडे में कितना ज़्यादा काम होता है, कपड़े धोने होते हैं, और वैसे भी जब इनकी छुट्टी होती है ना, तो नोनी और इसके पापा मिलके ना मेरा काम ही नहीं निपटने देते। मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ, इसीलिए संडे का मेरा जो रूटीन होता है ना, मेरा यही होता है कि सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाता है। भले ही फिर आराम से काम करते रहो, तो सुबह सुबह ना मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैं पूजा करती हूँ, और ब्रेड भी ना सिक चुकी है, तो मैं जा रही हूँ अभी इनको ब्रेड देने के लिए। इनको थोड़ी सॉस के साथ खानी होती है, तो सॉस भी दे देती हूँ इनको। और नोनी अभी सोई हुई है, तो तब तक ये कर लेंगे नाश्ता, फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। अभी मैं कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि ना कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, और मैंने 2-3 दिन से ना मशीन नहीं लगाई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं मंडे में कपड़े धोऊँगी, लेकिन मुझे ये हुआ कि मैं आज फ्री हूँ संडे में, तो मैं काम कर लेती हूँ, तो कपड़े फिर नोनी के ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसकी सोक्स इतनी ज़्यादा हो जाती है ना। तो मैंने सोचा कि मशीन लगा के ना धो देती हूँ। और इनके भी काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे ऑफिस में धोने वाले, जो इनकी जींस वगैरह या फिर इनकी मुझे जैकेट्स वगैरह। मॉर्निंग, हैंकी निकालो ये। गुड मॉर्निंग बाबू। अरे अरे अरे, गुड मॉर्निंग तो कर दो मम्मा को। है नहीं करता, आंखें खोलो, आंखें खोलो, लाओ एक मिठू दे दो। यहाँ मेरा डुगू बेटा भी उठ चुका है, और इसकी ना अभी कैमरे की लाइट में ना बिल्कुल भी आंखें नहीं खुल रही है, और देखो अभी बनावट दिखाएगी थोड़ी सी उठने के बाद थोड़ा। अरे कितना क्यूट लग रहा है मेरा बेटा, अभी ये देखेगी भी नहीं। और इसको ना देखो लाल हो रखा है पूरा, ना मच्छर ने खा लिया है। आजकल के मौसम में पहले ऐसे मच्छर नहीं होते थे, लेकिन आजकल ना इतने ज़्यादा मच्छर है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं रात को क्या करती हूँ ना, रूम बंद कर देती हूँ, ऑल आउट चला के छोड़ देती हूँ। जब तक हमारा टाइम होता है ना रूम में आने का, तब तक ना सारे मच्छर मर जाते हैं। अरे प्यार चल रहा है नोनी और उसके पापा का। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, आहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। और उठने के बाद नोनी के पापा कर रहे हैं नोनी से थोड़ी सी मस्ती। तो नोनी भी उठ चुकी है, और उठने के बाद वो है अपने पापा के पास। जब तक मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े ड्राई कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर क्या होता है नोनी ना फिर बाथरूम में आती है मेरे पास पानी में, तो मैं फटाफट से पहले कपड़ों का काम निपटा देती हूँ उसकी। पानी खत्म हो गया थर्मस में, चलो मैं और भर दूंगी।
इसमें और भर दूंगी और भरूंगी। हाय करो, हाय, हेलो, कैसे हो, कैसे हो, बोलो पापा, नहीं बोलो माँ, बोलो माँ जी, बाबा जी, हाँ हाय कर दो बाबा जी को, नमस्ते कर दो, नमस्ते। अरे मेरा बेटा कितना समझदार है। जब तक नोनी का दूध ठंडा हो रहा है, मैंने दूध गर्म किया था, उसका दूध ना उबल गया है इंडक्शन के ऊपर ही, तो मैंने सोचा पहले किचन ही साफ़ कर देती हूँ, तब तक ना फिर नोनी का दूध भी ज़्यादा गर्म हो गया तो ठंडा हो जाएगा। मैं इसको बिस्किट दे रही थी, बिस्किट लेनी रही थी, इसको खाना है सुबह सुबह गुड़, क्योंकि इसको गुड़ का डिब्बा तक जाता है ना तो फिर उसका पीछा ही नहीं छोड़ती है, तो मैंने इसको बिस्किट दिया, तो बिस्किट इसको खाना नहीं है, तो अब लेकर गई है ये पापा के पास गुड़। और जब तक मैं अपनी किचन कर लेती हूँ फटाफट से साफ, क्योंकि ना मेरे कपड़े भी ड्राई हो जाएंगे जब तक, फिर मैं जाऊँगी उनको छत पे सुखाने के लिए, क्योंकि ना बालकनी में स्पेस नहीं रह पाता है, और आप लोगों को पता ही है आजकल ना धूप भी नहीं निकलती है इतनी, तो कपड़े ना गीले ही रह जाते हैं। गैस और स्लैब साफ़ करने के बाद मैं मांझूंगी बर्तन, क्योंकि ना बर्तन सुबह अभी हमने नाश्ता किया है, खाना मैं बनाऊँगी अभी लेट, क्योंकि संडे में मेरा खाना बनता है दोपहर में 12-1 बजे तक ही, क्योंकि अभी इन्होंने नाश्ता कर लिया है, चाय और ब्रेड खा लिए हैं, तो उसके बाद अब मैं किचन साफ़ करके छोड़ दूंगी, तो खाना बनाऊंगी मैं दोपहर में 12 या 1 बजे के बीच में, तब तक मैं कर लेती हूँ अपना सारा काम फिनिश फटाफट। गुड्डा यहाँ घूम रहा है, क्या खा रहा है बेटा, क्या खा रहे बच्चा, क्या खा रहे हो, गुड़, दूध नहीं पीना। एक बार के कपड़े मैंने ड्रायर से निकाल दिए हैं, दोबारा से मैंने ड्रायर में कपड़े ड्राई होने के लिए डाल दिए हैं, तब तक मेरे कपड़े ड्राई होंगे जब तक मैं कर लेती हूँ अपने बर्तन साफ, क्योंकि साथ साथ में मेरे को और भी काम करना होता है, अभी मेरा सारा काम ही पड़ा हुआ है, क्योंकि आज मैं लेट उठी थी, संडे था तो मैं आज के दिन ना लेट ही सोकर उठती हूँ, मेरे को उठने में 8 या 8:30 तो बज ही गए थे, तो मैंने सोचा संडे है करना ही क्या है, पहले मेरा मूड नहीं था कपड़े धोने का, तो फिर मेरे को ये हुआ चलो बाद कपड़े भी धो ही लेती हूँ, तो मैं अभी बर्तन साफ़ करने के बाद कपड़े जा रही हूँ सुखाने के लिए ऊपर, क्योंकि मेरे सारे कपड़े ड्राई हो चुके हैं, किचन का काम हो चुका है ख़त्म, और दोपहर में बनाऊंगी खाना, अभी मैंने सारे किचन साफ़ कर दिया, बर्तन लगाऊंगी बाद में क्योंकि इनका पानी निकल जाएगा, और सब्जी बनाने के लिए मैंने आलू उबाल के रख दिए हैं, सब्जी बनाऊंगी थोड़ी देर में, पहले मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए ऊपर, चलो ये उठाओ, चलो लो, चलो आओ कपड़े सुखाएंगे, लो पकड़ो जल्दी से। जब भी मैं कपड़े धोती हूँ तो मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पे ही आती हूँ, क्योंकि ना धूप अच्छी निकली होती है और अच्छे से ना कपड़े सूख जाते हैं, और मैं क्लिप लगाना भूल गई हूँ, लाना ही भूल गई हूँ नीचे से, क्योंकि हवा चल रही है आज और कपड़े गिरेंगे ही, तो मैं जाने शुरू हो जाती है छत पे आते ही। क्या लेकर आए हो, जय करो भगवान जी को, जय, हेलो बोलो पापा, आओ नीचे, हाँ चलो नोनी नीचे चलो, कपड़े मेरे धुल गए हैं, बस मेरा काम अभी जो बाकी रह गया है वो खाना बनाना और पोछे कर आ गया, फटाफट से ये भी सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर मुझे जाना है स्कोन टेम्पल। सारा काम खत्म होने के बाद मैंने बनाया खाना, और मैंने बनाई है आज आलू और टमाटर की सब्जी, क्योंकि इनको खानी थी ये वाली सब्जी। खाना